नमस्कार दोस्तों, सुबह की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की 10 प्रमुख खबरों पर। पीएम मोदी ने वर्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के प्रशिक्षकों अधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंदन राय भी वर्चुअली साथ जुड़े रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी। मौसम विभाग ने पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शनिवार से रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। देश के पूर्वी हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद के बीच मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। इसके अलावा असम के 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों और 2 एडमिन ऑफिशियल समेत 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। शनिवार को दिल्ली में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। टोक्यो ओलंपिक में शनिवार को भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु की सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की ताई यूइंग से हारकर ओलंपिक में लगातार दूसरे रजत पदक से चूक गई हैं। ताई यूइंग ने भारतीय खिलाड़ी को सीधे गेम में 21-18, 21-12 से मात दे दी। भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जहां उनकी भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होगी। ओलंपिक इतिहास में पहली बार भारतीय महिलाएं क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। देश में पिछले कुछ दिनों से COVID-19 के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,649 नए मामले दर्ज हुए हैं और 593 लोगों की मौत भी हुई है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के घर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर गुरुवार को बड़ा हादसा टला। ये अपनी कक्ष यानी के ऑर्बिट से जिस तरह फ्लाइट पोजीशंस में रहता है, वहां से 45 मिनट के लिए हट गया। बाद में नासा के कंट्रोल सेंटर्स में मौजूद फ्लाइट टीम ने कंट्रोल थिएटर्स की मदद से स्टेशन को उसकी जगह पर पहुंचाया। 8 अगस्त से TV का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस OTT के प्लेटफॉर्म वूट पर स्ट्रीम किया जाएगा। करण जौहर द्वारा होस्ट किया जा रहा इस शो में हिस्सा लेने के लिए कई सेलिब्रिटीज के अब तक नाम सामने आ चुके हैं।